Hey guys, welcome back to my YouTube channel Designer Nusrat Naaz। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल सी काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो गाइज, इस काफ्तान को मैंने बनाया है सिंपल सूट का जो फैब्रिक आता है उससे, तो ये काफी ट्रेंडी लुक क्रिएट कर रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास बेसिक सा सूट जिसे मैं काफ्तान ड्रेस में कन्वर्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मीटर लाइनिंग ली है और एम्ब्रॉयडरी का एक पीस लिया है फैब्रिक का और कुछ लेस भी लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सूट है, नॉर्मल सा सूट पीस जो आता है। तो यहाँ पे इसके साइड में स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स वाले पार्ट को मैं यहाँ पे काट करके अलग कर रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स वाले पार्ट पे कोई वर्क नहीं है, वो अलग सा है उसका प्रिंट एंड लुक, सो मैं उसको अलग कर ली हूँ। बाकी के पार्ट को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखी हूँ। अभी गाइस, मुझे यहाँ पे काफ्तान के लिए कटिंग करना है, सो मैं यहाँ पे फुल लेंथ रख रही हूँ काफ्तान का 40 इंच, और मैं यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ नेकलाइन के लिए। नेकलाइन वाइड मैंने रखा है 4 इंच, और इसे इस तरीके से राउंड शेप में मार्क कर रही हूँ, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क किया है। तो गाइस, इस फैब्रिक की टोटल चौड़ाई 17 इंच है। अभी इसके दूसरी साइड पे 1.5 इंच पे मार्क करना है और शोल्डर वाली लाइन को इस तरीके से मार्क करके शोल्डर डाउन कर लेना है। उसके लिए इसी साइड हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है, 2 इंच इस तरीके से मार्क करके इसे राउंड शेप में मार्क कर लेना है, और अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से गाइज, मैंने इस तरीके से फैब्रिक को बराबर करते हुए राउंड शेप में साइड पार्ट की कटिंग करी है। नीचे का बॉटम यहाँ पे 17 इंच है और मैं इसे राउंड शेप में रखने वाली हूँ, तो यहाँ भी कॉर्नर को इस तरीके से राउंड करना है और इसकी भी कटिंग हमें कर लेनी है। तो गाइज, ये इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अभी इसी पार्ट को रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो बैक पार्ट की फैब्रिक को मैंने यहाँ पे रख दिया है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है और इसकी कटिंग सेम कर ली है, सिर्फ नेकलाइन की कटिंग नहीं करनी है। अभी ये जो नेकलाइन है, यहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए गाइज, हमें सबसे पहले लाइनिंग कट करनी होगी और उसके ऊपर मैं ये एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक बिठाऊँगी, तभी हम इसे यहाँ पर नेकलाइन पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सूट का जो पैंट वाला फैब्रिक है, वहाँ से मैंने थोड़ी सी फैब्रिक को इस तरीके से कट करके डबल फोल्ड में रखा है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रख दिया है पार्ट फैब्रिक, और अभी हमें इसे भी इस सेम शोल्डर को जैसे मैंने कट किया वैसे ही कट कर लेना है। और गाइस, यहाँ पे अभी हमें नेकलाइन बनाना है, तो नेकलाइन की कटिंग करेंगे। नेकलाइन लेंथ मैंने लिया है 3 इंच, नेकलाइन वाइड में यहाँ पे रख रही हूँ 2.5 इंच, और इसे हमें राउंड शेप में मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो गाइस, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, इसके नेकलाइन पे डिज़ाइन है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच शोल्डर पे मार्क किया है, लंबाई 6 इंच ली है, और ऊपर वाले मार्क को इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए क्रॉस मार्क कर लेना है। अभी नीचे जो नेकलाइन का ये शेप मैंने कट किया है, उसे सेम इस फैब्रिक पे ट्रेस कर लेना है। अभी इसके बाहर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेनी है इस तरीके से। मार्जिन सिर्फ हम राउंड शेप वाले तक ही रखेंगे, ऊपर का हमें मार्जिन नहीं रखना है। तो अभी सेम साइज़ का हमें एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक भी इसी सेम साइज़ का कट करना है, और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक कट कर लिया है और नेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से नीचे रखा है मैंने, सीधा ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर मैंने लाइनिंग रखी है और इसके नेकलाइन के ऊपर और साइड के ऊपर मैंने स्टिचेज लगाई है, स्मॉल नोचेज लगा रही हूँ, और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद मैं इसे फ्रंट पार्ट के पल्ले पे ऐड कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें लाइनिंग कट करनी होगी सबसे पहले गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, हमें पहले इस नेकलाइन की फिनिश करनी होगी, इसके लिए मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ। सो यहाँ लाइनिंग की लेंथ मैंने रखा है 40 इंच, आर्म होल मैंने रखा है 5.5 इंच, अंदर से दामन खोलने के लिए मैंने रखा है 18 इंच, और अभी हमें यहाँ पे शोल्डर रख लेना है 7 इंच, और आर्म होल को इस तरीके से राउंड कर लेना है। बस्ट में यहाँ पर रख रही हूँ 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, हिप 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट 8.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, और इस तरीके से मैंने राउंड किया है। दामन में रख रही हूँ 11 इंच, और हिप लाइन
प्लस दामन वाला जो लाइन है दोनों को इस तरीके से मिला के मार्क कर लेना है। सिंपल सूट की जो हम कट करते हैं सेम सिंपल सूट की हमें कटिंग कर लेनी है। ये काफ्तान के अंदर एज अ लाइनिंग हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस चलिए अब इससे हम फ्रंट पार्ट की जो बड़ा वाला नेकलाइन है उसे फिनिश करेंगे। तो लाइनिंग के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और नेकलाइन के ऊपर एक स्टिच लगाई हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, स्मॉल नॉचेज लगानी है और अब इस फैब्रिक को इस तरीके से लाइनिंग अंदर की तरफ डाल के सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसकी नेकलाइन तो फिनिश कर दी है। अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है लेस, तो मैं इस तरीके से लेस को भी नेकलाइन के ऊपर लगा दी हूँ। और यहाँ पे हमने जो पहले नेकलाइन को लगाने के लिए एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक बनाया था उसे अच्छे से आइनिंग करके सेट कर लिया है और अब हम इसे मेन फैब्रिक से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेंटर पे रख के और बड़े वाला जो नेकलाइन हमने कट किया उसके अंदर इस तरीके से रख के इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेनी है। तो गाइस यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, अभी बारी है बैक पार्ट बनाने की। तो ये बैक, तो ये रहा हमारे काफ्तान का बैक पल्ला जिसके ऊपर हमें नेकलाइन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच और 1 इंच लेंथ रख के इसकी इस तरीके से स्मॉल सा नेकलाइन कट कर ली हूँ। अभी लाइनिंग के ऊपर हमें इस पार्ट को इस तरीके से रखना है और नेकलाइन की स्टिच करनी है। सिंपल जैसे हम नेकलाइन फिनिश करते हैं उसी तरीके से इसकी भी फिनिशिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, स्मॉल नॉचेज ऐड करनी है और इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो चलिए अब इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अभी हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों साथ में रख के इसकी शोल्डर की स्टिच करनी है। उससे पहले गाइस अंदर की तरफ हमने लाइनिंग जो लगाई है इसमें मैं स्लिप्स नहीं ऐड करने वाली हूँ, तो उसकी भी फिनिशिंग करनी है। वो भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखा है। दोनों साइड पर हमें ऊपर की तरफ स्टिच लगानी है। उससे पहले ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है गाइस उसे हमें डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो इस तरीके से डबल फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। सेम इसी तरीके से दोनों साइड के पल्ले को फिनिश करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी लाइनिंग को भी फिनिश कर ली है और ऊपर शोल्डर की स्टिच भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे गाइस स्लिप्स के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसके ऑन फोल्ड चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 6 इंच। इसके ऊपर मुझे इस तरीके से लेयर बाय लेयर कुछ लेस ऐड करनी है। सो इस तरीके से मैंने 4 लेस इस फैब्रिक पे लगाई है। इसी तरीके का सेम एक और फैब्रिक हमें रेडी करना है तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। अभी हमें सेम साइज़ का लाइनिंग भी कट करना है और लाइनिंग के ऊपर इस फैब्रिक को रख के इसके दोनों साइड पे एक एक स्टिच लगा के इसको सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स सीधा करने के बाद मैंने इस पर आइनिंग भी कर दी है जिससे अच्छे से सेट हो गया है। अभी हमारे पास जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हमने स्टिच किया था तो उसके स्लिप्स को भी हमें यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को सीधा रख लेना है, इसके ऊपर जो हमने लेस वाली फैब्रिक बनाई है उसे स्टिच कर लेना है। सेम दूसरे साइड पर भी हमें दूसरे स्लिप्स को इस तरीके से रख के स्टिच कर लेना है। तो गाइस इसके स्टिचेस इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड का मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। तो दोनों साइड के स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी साइड की स्टिच कर सकते हैं। तो लाइनिंग की जो स्टिच है साइड स्टिच वो सेपरेट होगी और आउटर फैब्रिक की जो साइड स्टिच है वो सेपरेट होगी। तो यहाँ इस तरीके से सबसे पहले फैब्रिक को मैं उल्टा साइड से रख ली हूँ। तो स्लिप्स की बॉर्डर की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखा है और साइड में मार्जिन आप 1/2 इंच और 1 इंच इस तरीके से दबा सकते हो। नीचे से आपको 12 इंच दामन इस तरीके से ओपन रखना है, तो 12 इंच पे स्टिच नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया है दोनों साइड पे। अभी हमें लाइनिंग की भी स्टिच करनी है तो चलिए लाइनिंग की स्टिच कर लेते हैं। सो लाइनिंग इस तरीके से हमें आउटर फैब्रिक के ऊपर रखना है दोनों साइड से, अंदर वाला अंदर की साइड और ऊपर वाला ऊपर की साइड। और इस तरीके से लाइनिंग को भी हमें साइड स्टिच लगा लेनी है। तो साइड स्टिच यहाँ पे मैं मार्जिन रख रही हूँ 1.5 इंच और मैं यहाँ पे हिप लाइन तक इसके स्टिच कंप्लीट कर रही हूँ इनर फैब्रिक का। दोनों साइड पे सेम स्टिचेज हमें लगानी है। आउटर फैब्रिक इनर के अंदर रहेगा
ये आपको ध्यान देना है स्टिचेस के टाइम पे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों साइड की जो स्टिचेज है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसका दामन बनाना रह गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दामन बनाने को भी बता दूँ। तो यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक एक स्टिच लगानी है दामन के ऊपर। सूट में जैसे हम दामन फिनिश करते सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे हिप लाइन के ऊपर दामन को फिनिश करना होगा। नीचे के बॉटम को डबल फोल्ड करके स्टिच करना होगा। सेम इसी प्रोसेस से आउटर फैब्रिक को भी फिनिश करेंगे। आउटर फैब्रिक पे हमने गोल दामन रखा है तो हमें गोल दामन को स्टिच करना है। फैब्रिक को थोड़ा लूज रख के स्टिच करना है गोल दामन, तो वो अच्छे से स्मूथली स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से चक को भी फिनिश कर लेना है। जैसे कि आप बेसिक सूट में फिनिश करते हो सेम उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे यूज़ करके आउटर और इनर के दोनों दामन को फिनिश कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे काफ्तान का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आप बेसिक से सूट में कुछ लेस और एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ऐड करके अच्छे से सिंपल सूट को एक डिज़ाइनर सूट में कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।